तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट सेलर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंडस्ट्री कब एक्सिस्टेंस में आई? ये इंडस्ट्री शुरू हुई 1886 में। कितने साल हो गए? 14 साल उधर, 1900 हुए, 1900 से हम खड़े हैं, 2000 भी निकल गया, 2021 भी निकल गया, 2022 भी निकल गया, तो 2000 कितने साल हो गए? सोचिए, मतलब हमारी शक्ति देश से तो काफी बड़ी है। हमारे घर में दादा और दादा होंगे, शायद उनकी एज भी इसके आसपास किसी एक आदमी हो सकती है, वरना वो भी नहीं होंगे, उनसे भी पुरानी। और पता है ना, मानेगा आप में से बहुत सारे लोग यहाँ दुकानदार भी होंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, आया ना? मैं कुछ नहीं है, कोई नहीं है हम दुकानदार, चलो बढ़िया, तब तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। अरे तो भैया, ये जो चैनल में जो ये हमारा नॉर्मल जो चैनल है, सिस्टम है प्रोडक्ट बेचने का, वो लोग इस इंडस्ट्री को क्यों आने देंगे? क्यों आने देंगे? इसके पेपर में क्यों बोलेंगे? आप लॉजिकली सोचो, उनकी जो मार्जिन थी 50-60% जो उनको पैसे बट रहे थे, आपने तो उनके पैसे पर रोका लगा दी, और वो पैसे डायरेक्ट आपको आने लगे, तो वो आपसे खुश होंगे? वो इस इंडस्ट्री को फलने फूलने देंगे? लॉजिकली बात को समझो। और इसीलिए कंज्यूमर अगर सही नहीं बोलता, या कंज्यूमर गलत बोल रहा है, या प्रोस्पेक्ट गलत बोल रहा है, तो उसको दोष मत दो, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास तो ज्ञान है, उसको नहीं पता है। तो जैसे वही कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, वैसे ही मुस्कुराओ अगर बोले यार तुम्हारी इंडस्ट्री बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, कंपनी बेकार है, ऐसा वैसा जो भी बोलता है, आप मुस्कुराइए, कोई ध्यान मत दीजिएगा, ये कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपके लिए कैसे काम करूँ, बाकी सब छोड़ो, समझ रहे हो आप? तो कोई चीज भी चिपकानी नहीं है अपने से, कोई भी चीज दिल से नहीं जोड़नी है। अगर आप बिजनेस करने गए हो और कोई मना कर रहा है, तो बिजनेस के लिए मना कर रहा है, आपको मना नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए, समझ रहे हैं? तो 1886 में शुरू हुई, 90 से 96 के बीच में ये भारत में आई, और अगर 2022 के आंकड़े देखें तो 19,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार इस इंडस्ट्री ने 2022 में किया है। और लगातार ये देखेंगे तो पिछले कई सालों से हर साल 13% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। CAGR का मतलब होता है कंटिन्यूअस एवरेज ग्रोथ रेट, साल दर साल पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट ग्रो कर रही है? लगभग 13% ग्रो कर रही है। ये क्या दर्शाता है? GDP ग्रोथ भी 6-7% से ज्यादा नहीं होती मैक्सिमम, तो उससे डबल की ग्रोथ कर रही है। मतलब इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, भारत में आज आप जानते नहीं होंगे कितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम करती है, ग्लोबल लेवल पर इतनी कंपनी है जिनकी आपको जानकारी ही नहीं होगी। बहुत सारी कंपनी है, अब तो ग्लोबली आप देख रहे हैं G20 हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है ग्लोबल लेवल पर। आज अगर आप देखें, स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से बहुत सारे हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, बहुत सारी जगह हमने नाम कमा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आना चाहती है बाहर। और हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर जाकर के बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि बीइंग एन इंडियन हम ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं। सो ये दर्शाता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। मगर फ्यूचर ब्राइट कब होगा? आज हम मान लो 100 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम सबको ये क्लियर हो गया कि इंडस्ट्री वाकई लेजिटिमेट कंपनीज हैं, इंडस्ट्री है, लेजिटिमेट इंडस्ट्री है, वाकई इथिकली काम करती है, लोगों के कंज्यूमर को ठगा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जरूरत को पूरा करते हुए उनको प्रोडक्ट देती है, सेवाएं देती है, सर्विसेज देती है। हाँ, हो सकता है मैं ये सही नहीं कर रहा था, तो मुझे यहाँ करेक्शन करने की जरूरत है। अगर हर बैठा हुआ व्यक्ति ये करेक्शन अपना ले, तो आप सोचो कैसा एटमॉस्फेयर बाजार में जाके होगा। आज आप 100 लोग मेरे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कल आप में से हर एक व्यक्ति जाकर के 100 लोगों को समझाएगा, तो कैसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे? ये आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव काम है ना? मगर वही हम में से कुछ लोग हैं जो जाके प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचाते हैं। अब वहां तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता था, वो 500 रुपए का शैंपू लेके आया, बाल झड़ गए, रिजल्ट नहीं मिला,
तो वो ना दुकानदार को जाके बोल सकता है ना कंपनी में जाके कंप्लेन कर सकता है, मगर यहां क्योंकि आप बेच के आए हैं तो तुरंत आपको पकड़ लेगा, कहेगा पंडित जी आप देखे गए थे 550 रुपए शैंपू, रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सही प्रोडक्ट को सही जरूरत के हिसाब से कंज्यूमर को पेश करें। या सब लोग समझते हैं इस बात को, इसकी जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं। और वो अगर जिम्मेदारी हमने सही से निभाई तो मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकती। तो क्या करना होगा इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही हमें सबसे पहला काम क्या देगा यहाँ? कभी गए ऐसी जगह? आजकल तो घर पहुंच जाते हैं हम, है ना? नहीं जाते? वेरी गुड, तो वही करना है, जाना नहीं है, मगर प्रोडक्ट तो चाहिए ना, अरे साबुन भी चाहिए, शैंपू भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, कुकिंग ऑयल भी चाहिए, कपड़ा भी धुलना है, बर्तन भी धुलने हैं, क्रीम भी चाहिए, महिलाओं हैं तो हाइजीन के प्रोडक्ट भी चाहिए, बच्चे हैं तो उनकी केयर भी चाहिए, बुजुर्ग हैं तो उनकी केयर के प्रोडक्ट भी चाहिए। तो क्या करना है? ये तो जरूरत रहेगी अगर आप वाकई अपना जीवन, अपनी लाइफस्टाइल, अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दुकान बदलो। सबसे पहला कदम आपने करना क्या है? आज से ही यहां जाइए, घूमिए फिरिए, मस्त घूम के आइए, गर्मी ज्यादा लग रही है घूमिए एक घंटा वहां, एसी का आनंद लीजिए, दो चार प्रोस्पेक्टिंग करिए वहां पे, यस और नो? मगर चेंज योर अपनी दुकान को आज से बदल दीजिए। आपके घर में साबुन, तेल, मंजन यानी जो भी प्रोडक्ट INC में आता है 350, उसमें से एक भी प्रोडक्ट आपका बाजार का नहीं आना चाहिए। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये जब तक आप अपने दिल से ये बात अपने आप को नहीं बोलेंगे और इंश्योर करेंगे तब तक इस बिजनेस में पहला कदम आप नहीं ले पाएंगे। ये सफलता का पहला कदम, आपकी दुकान आप उसका प्रोडक्ट खुद ही नहीं यूज करोगे, अरे तो कैसे चलेगी दुकान? एक मिठाई वाला अपने घर में दूसरे मिठाई वाला की दुकान लेके आता है, बताइए, अपने ही दुकान की मिठाई लेके आएगा। जब वो अपने ही दुकान की मिठाई नहीं खा रहा है इसका मतलब उसकी मिठाई कुछ और बड़ी। यस और नो? एक सब्जी वाला अपने घर में वो सब्जी नहीं खा रहा, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, कई किसान अपने घर में खाना खाने के लिए सब्जी अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग उगाते हैं, अनाज अपने लिए अलग खेत में उगाते हैं, बेचने के लिए अलग खेत में उगाते हैं। ये क्या हो गया? तो आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपके हैं आपके पास, इस तरीके के साबुन अपना नहीं यूज करके बाजार का यूज कर रहे हैं, शैंपू अपना नहीं यूज करके बाजार का यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के प्रोडक्ट अपने नहीं यूज करके बाजार का यूज कर रहे हैं, बर्तन धोने के डिशबोर्ड नहीं यूज कर रहे बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा? यस और नो? यस। समझ रहे? यस यस। अब आते हैं व्हाई INC, क्यों INC के प्रोडक्ट लें, क्यों INC के साथ ही जुड़ करके इस शॉप को चेंज करें? आई एम श्योर आप सब यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपने तो ऑलरेडी ये कदम कर लिया है, बट फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। पहली चीज कि INC एक ऐसी कंपनी है जो 2007 से लेकर 16 सालों का सफर हो गया 2023 तक, जो ग्लोबली ग्रो कर रही है, कंटिन्यूअस साल दर साल ग्रो करती चली जा रही है। क्यों ग्रो कर रही है? उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कारण। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कारण है आपकी विजनरी मैनेजमेंट, ये ग्रेट प्लानिंग उनके लिए होनी ही चाहिए थी क्योंकि उनकी वजह से आज हम और आप मिल पा रहे हैं, और उनकी वजह से आज इस सोच की वजह से उस सोच की वजह से उनका सम्मान होना चाहिए। मेहनत तो आप सब कर रहे हैं, INC ये दोनों ही नहीं है, INC हर व्यक्ति जो इस कमरे में बैठा है, इस हॉल में बैठा है, हर व्यक्ति INC है। इन्होंने तो सिर्फ एक बीज बोया, उस बीज को सींचा किसने? वो आप सबने सींचा। इन्होंने तो एक इनिशिएट की चीज को, एक इनिशिएटिव लिया, एक चीज शुरुआत करी, मगर उस शुरुआत को आगे लेके कौन चल रहा? वो आप सब ले सब। और इसलिए मैं कहूंगा आप सब बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। सो यहां